हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चीना। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपकी शादी किस पर्सन से होगी, किस तरह के वो इंसान होंगे, क्या उनका नेचर होगा और शादी आपकी कब तक हो सकती है, इन लॉज कैसे होंगे। तो सारी डिटेल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल है, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 है ना, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, नेम इनिशियल्स रखे हुए हैं मैंने। सो ए CEGIKMOQSUWY ये नेम इनिशियल्स हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। और ये पाइल 2 है, यहाँ पर जो नेम इनिशियल्स हैं वो भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, जैसे भी आपको लगे, आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। तो यहाँ पे अगर किसी का नाम है एस से और उनके पार्टनर का नाम है टी से, तो आप दोनों ही पाइल्स को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट करता हुआ जरूर मिलेगा। और उन चीज़ों को जो भी रेजोनेट कर रही होगी या जो भी आपसे मैच करते हैं उन चीज़ों को रखिएगा, जो अच्छी लगे उनको क्लेम करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको सिर्फ यही जानना है कि आपके पार्टनर किस तरह के होंगे, तो डेफिनेटली अपने नाम के अकॉर्डिंग चूज करना, ठीक है ना, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी अगर आप एक ही पाइल चूज करना चाहते हो तो। और अगर किसी के दो नाम है और वो कन्फ्यूज है कि उनको किस नाम से चूज करनी चाहिए पाइल को, तो जो आपका नाम यूज होता है रेगुलर, मतलब जैसे जिस नाम से आपको ज्यादा लोग पुकारते हैं, आपको वो वाला नाम यूज करना है या जो आपके दिल के करीब हो। आई गेस क्लियर हो गए होंगे सारे थॉट्स। उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे और कौन कौन सी वीडियोज बनानी चाहिए आप लोगों के लिए जो आप देखना चाहते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल नंबर 1 और जाके पाइल नंबर 2 के टाइम स्टैम्प्स आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन से। सो थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, देख लेते हैं आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं, हु विल यू मैरी और किस तरह का उनका नेचर होने वाला है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो ऐसा लग रहा है इफ यू आर सिंगल एंड आप चाह रहे हो कि अभी आपकी शादी हो जाए, तो ये चीज दिख रही है कि दिस ईयर विल गोन बी अ ग्रेट ईयर फॉर योर मैरिज, मतलब आपकी शादी हो सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यू पर्सन और न्यू कनेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू और आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, और वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है। वो एक किस तरह का कनेक्शन होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने इसी तरह के पर्सन के लिए विश की थी कि हाँ, मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जिससे मेरी शादी हो, वो इस तरह के पर्सन होने वाले हैं। और आपको उनसे मिलकर उनसे बात करके ऐसा लगेगा आपकी लाइफ कम्प्लीट हो रही है। आपको ये भी फील होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट या ब्यूटीफुल फील करा रहे हैं या हैंडसम, व्हाटएवर, मतलब वो आपको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं अपने खुद के बारे में भी। वो आपको तो अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन वो भी जिस तरह से आपको आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, आपकी रिलेशनशिप को लेकर रिस्पेक्ट और सब चीज़ों की तरह की फीलिंग जो बहुत स्ट्रांग हो रही है, विच इज़ अमेजिंग। तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका ऊपर इस पर्सन के आने से। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है होल्ड बैक आप कर रहे हो या फिर वो पर्सन भी होल्ड बैक करेंगे। अगर ये रिश्ता आपको, अगर आप सिंगल हो और ये रिश्ता आपको आता है आपके पेरेंट्स के थ्रू या फिर इवन फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपका वैसे ही कोई कनेक्शन बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है कि हाँ, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये सही है नहीं सही है, वो पर्सन आपसे थोड़ा सा ढंग से बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इश्यूज आए। बट टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपकी जो बात है, आपकी शादी की जो बात है, वो बन जाएगी। इफ़ यू आर 25+, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस ईयर में आपकी शादी हो जाएगी आपके पर्सन से जो भी आपको इस साल में मिलने वाले हैं, ठीक है। एक मैरिज तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज होगी, खास करके उन लोगों के लिए जो सिंगल है, उनके लिए तो बिल्कुल ही अरेंज मैरिज होने वाली है। जो लोग प्यार में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मेरे को स्टिल ऐसा लगता है कि अगर आपकी आपके पार्टनर से नहीं बन रही या फिर आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ से वो निकलने ही वाले हैं, क्योंकि दूसरा पर्सन आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो थोड़ी सी ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे और पेरेंट्स मान जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको मनाना तो पड़ेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू वेट और मनाना पड़ेगा, फिर शादी होएगी, लेकिन हाँ, चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हो और आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि जानने पहचानने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बात बन जाएगी और एक बहुत ही अच्छा और डिवाइन कनेक्शन होने वाला है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है प्यार है एक दूसरे के साथ, ब्लेसिंग्स आपको फील होने वाली है एंजल्स की, आपके जो एंसेस्टर्स है ना, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर।
जैसे बोलते हैं ना पितृ दोष वगैरह बताते हैं उस तरह की चीज़ें, तो आप उसके लिए भी ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके खुद के कोई भी नोन हो, पंडित हो, या फिर आपके घर में जो रेमेडीज़ करते हैं उनके लिए, वो अगर आपको गाइडेंस देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप वो चीज़ें कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना चीज़ें बन ही नहीं पा रही, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। सो यू हैव टू ना टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई चीज़ें ठीक से हो जाएं और प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पे अगर बात करें पर्सन से, देखो पर्सन इस साल में मिल जाएंगे आपको। टाइमिंग में बात करें तो देखो 5-6 महीने तो एटलीस्ट रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पर्सन के साथ आपकी शुरुआत होगी, इतना टाइम रुकने के बाद ही होगी। दूसरी चीज़ अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो पार्टनर अच्छे होंगे। अब जैसे कई बार लोगों को रहता है कि भाई हमको बहुत ऐसा टॉम क्रूज टाइप तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट एवरेज लुकिंग होना चाहिए, एटलीस्ट आउट ऑफ 10 7 हो, 7.5 हो, 8 और 9 तो नहीं बोल रहे लेकिन इतना तो हो, बिल्कुल ही 5 और 6 नहीं चलता, तो उस तरह की थिंकिंग है ना आपकी, तो आपको हाँ 7.5 8 मिल जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है देखो अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो आपको ब्यूटीफुल हैंडसम पार्टनर ही मिलने वाला है, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग अच्छे दिखते होंगे, मतलब ऐसा है आप भी उनके साथ अच्छे दिखोगे, मतलब आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। अगर आप बहुत सुंदर हो, लाइक अगर आप अपने आप को 10 में से 8 दे रहे हो तो आप उनको भी आराम से 10 में से 8 8.5 दे सकते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को 10 में से 5 दे रहे हो तो फिर उनको भी 10 में से 5 या 5.5 दे सकते हो। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखते हो, और ये सिर्फ आप ही की राय बता रही हूँ। कई बार तो ऐसा हो सकता है ना आप अपने आप को 10 में से 8 समझ लो, लेकिन कोई लड़का के बोले यार ये तो 10 में से 5 भी नहीं है, तो मैं उस चीज़ की बात नहीं करी। आप खुद को, आपको कैसा लगता है ना कि आप कैसे दिख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वो आपसे 0.5 ज़्यादा ही दिखेंगे, कम नहीं दिखेंगे, मतलब देखने में स्मार्ट होंगे, काफ़ी सुंदर होंगे, स्टाइलिश होंगे, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, उनके बाल बहुत अच्छे होंगे, उनके हो सकता है फिजिक का अपना बहुत ध्यान रखते हो, अट्रैक्टिव फिजिक है, नॉट श्योर कि जिमिंग वगैरह करते होंगे नहीं करते होंगे, बट हो सकता है कि एक्टिव बहुत रहते हो, जैसे वॉक करना है, साइकिलिंग करना है, कुछ भी वो करते हो, सो दैट वो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ही ऐसे लग रहा है कि फिजिक उनकी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है। कुछ पहनते हैं तो बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत स्टाइलिश दिखते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, बहुत सारे लोग उनसे इम्प्रेस है। मेरे को लगता है स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते होंगे वो, और बहुत सारे लोग उनके नेचर से बहुत इम्प्रेस हैं कि बहुत ही जेन्युइन है, आज के टाइम पे बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, हालांकि गुस्सा करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लोग उनके गुस्से से भी डरते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली गुस्सा करते हैं, जब बहुत मेजरली कुछ गलत हो जाए ना तो ही वो गुस्सा करते हैं, अदरवाइज वो गुस्सा नहीं करते हैं। तो लोग वैसे तो उनको बहुत समझते हैं स्वीट और कूल टाइप, लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो सबको पता है कि हाँ यार ये अगर गुस्सा हो रहे हैं तो बहुत लाइक सीरियस मैटर होगा, अदरवाइज वो गुस्सा नहीं होते। तो पर्सनालिटी ऑसम लगने वाली है, नेचर आपको बहुत पसंद आएगा, स्वीट है, जेन्युइन है काफ़ी हद तक, थोड़े से ज़िद्दी और ढीठ भी है, अगर उनको कोई चीज़ लगती है कि वो सही है तो फिर वो बात नहीं सुनते किसी की भी, तो फिर वो चाहे आप हो, उनकी फैमिली हो, वटएवर, अगर उनको लग रहा है ही इज़ राइट या शी इज़ राइट, तो उनको कन्विंस करना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो जिद है, लेकिन बहुत ही रेयरली जिद करते हैं, अगेन वो बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान है, बहुत ही मतलब उनके साथ रहना बहुत ईजी है क्योंकि बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन हाँ उनकी भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है ना, जैसे जिद्दी है, या फिर उनको सच बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सच तो बोलना ही बोलना है, कई बार क्या होता है सच चुप भी जाता है, बुरा भी लग जाता है, तो उस तरह का है। अपने करियर में और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो जब आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि वो जिस पोजीशन पे हो अभी खुश नहीं हो, उससे ज़्यादा बेहतर कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, सो उसकी तरफ भी वो काम कर रहे होंगे। बाद में हो सकता है फॉरेन वगैरह भी वो शिफ्ट हो जाए, उनको पसंद है वर्ल्ड ट्रैवल करना या ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट स्टाफ, तो वो चाहेंगे शायद, या फिर वो सोचेंगे भी कि हम वो शिफ्ट हो जाए इधर उधर कहीं पे, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, उनमें ये क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। देखने में देखो बहुत अच्छे दिखेंगे, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आपका पता नहीं कितना हाई स्टैंडर्ड है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्मार्ट होंगे, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी दूसरे के साथ। एंजल की ब्लेसिंग्स तो है ही, पैसे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है शादी के बाद, और मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी, फाइनेंशियल हो या फिर वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन के आने के बाद। आपने शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, लेकिन शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी या ठहराव दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप खुश हो अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है आपकी,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन लॉज की भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसे आपके पार्टनर है वो आपको पसंद करता है, आप दोनों में प्यार है, रोमांस है, आप दोनों केयर कर रहे हो एक दूसरे की, थोड़ी सी मुझे झिझक दिखाई दे रही है कि जैसे शुरुआत में बहुत अच्छा सा कनेक्शन बना होगा, लेकिन फिर थोड़ी सी बातें एक दूसरे साथ करने में जैसे थोड़ा सा एक होता है ना कि शुरुआत में एकदम से कनेक्शन बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है, फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ी शुरुआत होती है, फिर ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा ऐसा रहा होगा शुरू में कि थोड़ा सा कभी मतलब वैसे तो बहुत बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है कि और बातें करनी चाहिए नहीं, और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये चीज दिखाई देती है कि जो आपके पार्टनर है वो इस तरह का उनका नेचर है कि एक दूसरे को लेकर केयर भी दिखाई देती है, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट भी दिखाई देती है, एक दूसरे को लेकर बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए, लेकिन स्टिल ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, कभी आप कह पा रहे हो, कभी हेजिटेशन हो रही है, जो कि शुरुआत में एक नए रिश्ते में होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जलप कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है आपके दोनों के बीच में इश्यूज है, जलप आराम से कर पा रहे हो, लेकिन एक शुरुआती जो रिश्ते की हेजिटेशंस होते हैं ना वो यहाँ पर आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑल राइट, आपके जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है, वो केयरिंग है, जैसे लगता है ना एक फ्रीडम देने वाला पार्टनर होना चाहिए, तो वो फ्रीडम दे रहे हैं। वो वैसे भी इस नेचर उनका इस तरीके का है कि वो किसी को कंट्रोल नहीं करते, बस उनको कोई चीज सही लगती है तो उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। बहुत ही मतलब उस तरह के इंसान है कि यार जैसे खुद भी जी और जीने दो टाइप के, लेकिन स्टिल जो उनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, सबकी केयर बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीनो दो के नाम पे यहाँ ठीक है कोई मर रहा है सड़ रहा है उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको फर्क पड़ता है। फिर तो वो अगर आप हेल्प नहीं भी मांग रहे तो भी वो हेल्प करेंगे, केयरिंग है, दिल से जेन्युइन है, अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर करना उनको पसंद नहीं है। तो अगर फ्रीडम या फिर आपको ऐसा चाहिए कि पार्टनर बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, हर चीज़ में मुझको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे मुझे कोई और सपोर्ट करे ना करे, वो मुझे बढ़ावा दे, मेरे को अप्रिशिएट करे, तो उस तरह की क्वालिटीज आपके पार्टनर में है। यहाँ पे ये दिखाई देता है कि वो उस तरह के नेचर है उनका। अगर मैं बात करूँ इन लॉज की, कि जैसे पार्टनर का तो सॉर्ट आउट है, इन लॉज के साथ कैसा बन रहा है, तो ऐसा दिखता है। देखो इन लॉज आपकी लुक्स की काफी तारीफ करने वाले हैं, आपकी जॉब की, आपकी पर्सनालिटी की तो काफी तारीफ करेंगे कि है आप बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत स्टाइलिश है, या जो भी है आप में जो क्वालिटीज जिनके लिए आप जाने जाते हो, तो वो सारी क्वालिटीज आपके इन लॉज को भी दिखाई देगी, आप वो इन चीजों के लिए आपके लिए तारीफ करेंगे। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ शफल करके कि बाकी आपकी इन लॉज के साथ क्या बॉन्डिंग रहने वाली है, देख लेते हैं। ओके, सो जैसे मैंने और कार्ड्स निकाले हैं तो इससे ये शो होता है कि जैसे अगर आपके इन लॉज है ना तो वो काफी सपोर्टिव से है, मतलब जस्ट लाइक योर पार्टनर, जाहिर बात है आपके पार्टनर को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो खुद भी अच्छे होंगे ना लोग, इंटरफेयरिंग वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मोस्टली जैसे लड़कियों को यही रहता है, खासकर की लड़कियों को यही रहता है, इवन आजकल के तो लड़कों को भी रहता है कि इन लॉज इंटरफेयरिंग नहीं होनी चाहिए, कि हर डिसीजन में वही बोल रहे हैं पति पत्नी का, जैसे कोई सही ना हो या फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है पार्टनर बार बार उनकी बातों से, तो उस तरह की इंटरफेयरिंग नहीं है। अपनी एडवाइस देंगे और रुक जाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, विच इज अमेजिंग। ये चीज भी दिखती है कि आप ना न्यूक्लियर ही रह रहे हो काफी हद तक, तो हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ टाइम रहना पड़े साथ में या कुछ टाइम रहो, बाद में आपका शिफ्ट दिखता है कि आप कहीं और जाके रहने लग जाओगे या फिर आप जॉब की वजह से जगह चेंज कर लोगे, सो इसलिए ज्यादा कंटिन्यूटी में रह भी नहीं रहे हो साथ में। लेकिन स्टिल अगर आप जितना टाइम साथ में भी रह रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है आपके लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, बल्कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे अपनी खुद की फैमिली बहुत कुछ करती है ना, उस तरीके से वो आपके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, किसी भी चीज में आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आपकी नीड्स को पूरा करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपका केयर करते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा मेरे को बेटी बना के रखा, आपको ऐसे ज्यादा फीलिंग आने ही नहीं वाली कि वो इन लॉज की तरह रख रहे हैं, विच इज अमेजिंग, विच इज सुपर स्वीट। अभी चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि दैट यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का या प्रेजेंट में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप पसंद करते हो, आप बहुत कंफ्यूज हो रखे हो कि आपको शादी किससे करनी चाहिए, नए पर्सन से या फिर पुराने पर्सन से जिसको आप पहले से जानते हो। तो मैं ये कहूंगी यहाँ पे एंजल्स तो यही बोल रही है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में नए पर्सन आएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाले हैं, ना कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले थे वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यू शुड मूव ऑन और आपको
अभी ये देख लेना चाहिए, वैसे तो ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर एंजल्स आपको ये इशारा कर रही है कि वो जो पास का जो पर्सन था वो आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए थे, वो लाइफ लेसन आप सीख जाओगे अगर आप मूव ऑन हो जाओगे तो। आप अगर डिप्रेस्ड या परेशान हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो वो सारी चीजें अपने आप उस पर्सन के जाने से खत्म हो जाएगी। आपको बहुत ही स्ट्रेंथ लगेगी इस डिसीजन को बना के, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ रखते हुए, वो करेज रखते हुए, आई यू हैव टू मेक दिस डिसीजन टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सन, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर्सन से अलग हो जाते हो तो आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हो जो चाहते हो, आप अपना डिजायर्ड पार्टनर पा सकते हो, और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन योर लाइफ आफ्टर दैट। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसके अलावा मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ कि एंजल्स के कोई मैसेजेस हैं जो आपके लिए वो आपको बताना चाह रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में। यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से वो है रिमेन पॉजिटिव का, कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीज आपके साथ देखो वैसे भी अच्छी होने वाली है और आपको रिमेन पॉजिटिव तो रहना ही है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। उसके बाद यस आंसर आया, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है, पर प्लीज यहाँ पर रिकन्सिडर भी है, लेकिन अपने भले के बारे में सोचिए, ठीक है? रिकंसिडर कर लो, अगर अपनी लाइफ में जो जो भी आप करना चाह रहे हो कि आपके लिए सही है, उन चीजों के बारे में दोबारा से सोचो। फिर आए फॉरगिवनेस, अगर देखो अगर आपको मूव ऑन होने में इसलिए तकलीफ हो रही है बिकॉज आप उस इंसान को ऐसे कुछ चीजों के लिए फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो भाई उसके साथ ही रहूंगी, ये है वो है, तो फॉरगिव कर दो अपने आप को भी और उस इंसान को भी। अगर आपने कमिटमेंट दिया था और आपको तोड़ना नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है, गिल्ट लग रहा है, तो अपने आप को माफ कर दो यार। उस टाइम आपने जो कमिटमेंट दिया था वो एक पर्सन के लिए दिया था जिसकी फीलिंग्स अलग थी, अभी वो पर्सन चेंज हो चुका है, तो यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर दैट ऑल्सो। और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो पहली बात तो बहुत बड़े चेंजेस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिज को या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज को। दूसरी चीज हैप्पी चेंजेस हैं, वो ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि हैप्पी चेंजेस ही होंगे, तो आपको यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और बहुत अच्छी ही होने वाली है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्लेम जरूर करना रीडिंग को, और अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करानी है तो चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स आप बुकिंग करा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने लोगों ने पाइल नंबर टू को चूज किया था, देख लेते हैं आपकी रीडिंग आज क्या होने वाली है। सो शुरुआत ही हो रही है डेविल के कार्ड से, जो कि शो कर रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में। देखो मुझे यहाँ पे जो चीज देख के लग रहा है, कार्ड्स को देख कर लग रहा है, वो ये चीज है कि वो ये कहना चाह रहे हैं आप कितना भी पॉजिटिव रह रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट ब्रेक मिल रहा है, और उसका रीजन ये है जो लाइफ में आपके पार्टनर है, आपने जिस पर्सन को अभी चूज कर रखा है ना अपने लिए, आपको लग रहा होगा आपके सोलमेट है, बट ही इज और शी इज नॉट द सोलमेट फॉर यू। वो आपके ना तो डेस्टाइंड पार्टनर है, वो सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो आपको ये लाइफ लेसन सिखाने के लिए है, और जब तक आप इस लाइफ लेसन को नहीं सीखोगे ना, आप ये गलती बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे। हो सकता है आपका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं हो, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, मतलब थर्ड तो हो ही सकता है, मतलब कहने का मतलब है ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, पहला रिलेशनशिप नहीं है, आप पहले भी धोखा खा चुके हो, पहले भी आपके साथ ये हो चुका है, और आपको बहुत बार लगता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपके यू डोंट डिजर्व दिस, या फिर कई बार आपको लगता है आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप ना हमेशा अपने लिए गलत इंसान को चूज कर लेते हो, इसीलिए वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है आपने नहीं बहुत अच्छा इंसान चुना है, ये बहुत बेटर है, ये तो बहुत मुझे खुश रख रहा है, ये तो बेस्ट है, ये तो मेरी लाइफ में मतलब दिस इज द परफेक्ट थिंग जो मेरे साथ हुई है, पर नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं चीट करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, एंड देन यू विल बी लेफ्ट अलोन ऑल टूगेदर अगेन, और ये दोबारा भी होगा आपके साथ। जब तक आप इस तरह की प्रोसेस में पढ़ते रहोगे कि आप या तो शक्ल देख के या पैसा देख के या फिर किसी की मीठी मीठी बातें देख के अगर किसी से पट रहे हो या रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। और फिलहाल जो आपकी लाइफ में पर्सन है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक अननोन पर्सन से कैसे शादी कर सकते हो या अरेंज मैरिज कैसे कर सकते हो, ठीक है देखो उसका इशू होता है, डोंट कोप फॉर दैट, बट एटलीस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन। अगर आप लोग को लव भी करना है तो उस पर्सन को अच्छे से समझो। तो कई बार कितना भी साथ में देखो, कितना भी रिलेशनशिप हो ऐसे के लव मैरिज हो रही है, अब जानते हैं एक दूसरे को बहुत सालों से, लेकिन स्टिल साथ में रहना बहुत डिफरेंट चीज होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको देखो ये रीडिंग ऐसा, टू बी ऑनेस्ट मैं तो
पूरी ऑनेस्ट होने वाली हूँ इस रीडिंग में, तो मुझे नहीं लग रहा आपके जो पार्टनर है फिलहाल वो आपके साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आपसे झूठ भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें भी छुपा रहे हैं, बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है, आपका फायदा ही उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप इनको शादी से पहले ब्रेकअप कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, शादी कर लोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में ब्रेकअप करना पड़ेगा, जो कि बाद का ब्रेकअप होता है डिवोर्स, तो और 10 लोगों के सामने पता चलेगा कि क्या चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, पूरा तमाशा बनेगा। सो ये पर्सन के साथ तो डेस्टिनी एंड होके ही रहेगी। तो यहाँ पर दिस पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि वो आपका फायदा उठा रहा है। आप देखो इस पर्सन के बारे में अगर आपको ये लग नहीं रहा है तो और रिसर्च करके देख लो, और अगर आपको डाउट्स ही हैं तो ये तो वीडियो इस चीज़ का साइन है कि ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनके साथ रिलेशनशिप तो खत्म हो ही जाएगा आपका, और उसके बाद ही कोई नया पर्सन मिलेगा। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स ही आपको वो रिश्ता बताने वाले हैं जो भी नई शुरुआत होगी, और उसी पर्सन से आपकी शादी होगी। ये पर्सन तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में जो आएंगे वो किस तरह के होने वाले हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में इस पर्सन के बाद होगा या आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। कुछ और कार्ड्स मैं शफल करके निकाल लेती हूँ। ओके सो मैंने शफल कार्ड्स के और कार्ड निकाले हैं और इसलिए मैंने इनको ऊपर इस तरीके से प्लेस करा है। अगर सबसे पहले बात करें क्वीन ऑफ कप्स आया है जो कि ये शो कर रहा है, देखो नेक्स्ट पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, टू बी ऑनेस्ट पहली बात तो आप इवॉल्व हो चुके होंगे, चेंज हो चुके होंगे, इसलिए बहुत बेटर पर्सन आपको मिलेगा। अभी द लवर्स के साथ आए ये कार्ड तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पर्सन मिलेगा। देखो अगेन लव मैरिज हो सकती है इफ़ यू विल हैव टू वेट फॉर इट, बट अगर अरेंज मैरिज भी करते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिखती है वैसे लव मैरिज आपकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, स्टिल दिख रही है सेकंड पर्सन के साथ भी, मतलब आप इस पर्सन को छोड़ देते हो और नेक्स्ट पर्सन भी मिलता है तो दिखता है कि लव मैरिज हो सकती है। बट जो भी है यहाँ पर ये पर्सन बेटर है, ये पर्सन एक्चुअली लॉयल है, ये इस पर्सन के साथ आपकी जिंदगी दिखती है। इन पर्सन के साथ अगर आप केयर फ्री होके रहते हो, एकदम बिल्कुल जैसे आप हो उस तरह के इंसान बन के रहते हो, तो ये पर्सन आपका फायदा नहीं उठाने वाले, जबकि दूसरे लोगों ने आपके साथ पहले भी ये किया होगा और वो आपको नहीं लगे होंगे लायक एक पॉइंट के बाद। यहाँ पर ये पर्सन लॉयल है, जेन्युइन है, आपके साथ अच्छे दिखते हैं। अच्छा आपको ये बहुत बड़ा इशू है कि आपके पार्टनर अच्छे दिखते होंगे या नहीं दिखते होंगे, देखो दिखते होंगे, वो अच्छे ही दिखेंगे आपके साथ, उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो भी वो आपके साथ अच्छे लगेंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो उसके अलावा वो अच्छा कमाते होंगे, वो अच्छा जॉब करते होंगे, अच्छी प्रोफाइल में होंगे, एवरीथिंग इज देयर, बट आपके जो अभी करंट पार्टनर है वो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगे आपके लिए, मैं आपको बताना चाहूंगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पर्सन जो आएंगे, इस पर्सन को छोड़ दो, 2-3 महीने में नेक्स्ट पर्सन तैयार है आपके लिए, मतलब 6 महीने एट मैक्स आपको नेक्स्ट पर्सन मिल जाएगा फॉर श्योर, जिससे आप भी प्यार करोगे वो भी आपसे प्यार करेगा। एंजल की ब्लेसिंग्स है, घर वालों की ब्लेसिंग्स है, खुश दिख रहे हो, शादी होएगी बड़े आराम से होएगी, बड़े खुश रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है पैसों में कम होगा या इससे बेटर मिलेगा, नहीं ऐसा होने ही नहीं वाला, बहुत बेटर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इन लॉज की तो देखो इन लॉज इस तरह के होने वाले हैं आपके, थोड़े से जैसे होते ना डोमिनेटिंग इन लॉज है, घर में आपकी सास की ही चलेगी, ठीक है, जैसे वो कहती होंगी, जैसे चलता होगा वो वैसे ही, मतलब उनकी मर्जी चलती होगी, डोमिनेटिंग भी है लेकिन ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं रही, क्योंकि आपके पार्टनर हैं वो सपोर्टिव है, केयरिंग है, बहुत आपका ध्यान रख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अलग ही रहने वाले हो तो इसलिए वैसे भी डे टू डे लाइफ के जो लफड़े हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। हो सकता है शुरुआत के कुछ टाइम आप रहो इन लॉज के साथ 1-2 साल भी, तो भी वो इतने बुरे नहीं होने वाले, डोमिनेशन आपको लगेगा कि हाँ डोमिनेटिंग तो है, घर में इनकी ज़्यादा चलती है मेरी कम चलती है, बट स्टिल वो पैम्पर करते हैं, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको घुमा फिरा रहे हैं, आपको फ्रीडम है, तो इसलिए आपको इतना पता नहीं चलेगा। बस जैसे घर में जैसे पेरेंट्स होते हैं, डिसीजन तो पेरेंट्स ही लेते हैं ना, तो उस तरीके से शादी के बाद हमको लगता है यार अब डिसीजन हम लें, हम बड़े हो चुके हैं, हमारी शादी हो चुकी है, तो डिसीजन अल्टीमेटली इन लॉज लेंगे, खास करके बल्कि मदर इन लॉ ही लेगी, लेकिन स्टिल फ्रीडम भी बहुत है तो उनके साथ मैनेजेबल है रहना। बट स्टिल आप लोग दिखता है मूव ऑन करते हुए 1-2 साल बाद, जैसे अपना अलग रह रहे हो, अब वो अलग रहने का डिसीजन वैसे भी हो सकता है, जॉब की वजह से भी हो सकता है, बहाने से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट आप दोनों तरीके में खुश दिख रहे हो, साथ में भी ठीक रहे खुश दिख रहे हो, लेकिन अपनी खुद का जब घर बना रहे हो या फिर खुद अलग जाके रह रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ट्रैवलिंग मिलेगी, हो सकता है आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से भी शिफ्ट दिखाई दे सकता है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है।
एक्चुअली विद दिस पर्सन एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी ग्रेट, और एवरीथिंग इज रियली फाइन. तो बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है. अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, और एंजल के मैसेजेस भी निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर अगर बात करें एंजल की गाइडेंस की, तो जैसे कार्ड आया था एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन का. सो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है, देखो यार लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, आप ज़्यादा टेंशन तो लो मत. दूसरी चीज़, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं करते हो. अगर पॉजिटिव एफर्मेशन करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, मैनिफेस्ट करोगे किसी भी तरीके से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी. आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हो आप ज़रूर जियोगे, पर उससे पहले जो लाइफ लेसन है ना वो आपको लर्न करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में. और वही लाइफ लेसन सीखने के लिए आप बार बार इन चीज़ों में गो थ्रू हो रहे हो. आप ये मत सोचो कि इस पर्सन से दूर जा रही हूँ, दोबारा कब मिलेगा, या मैं इसके साथ तो बहुत खुश हूँ. तो देखो, लिसन टू योर हार्ट ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल अगर ये पर्सन आपको कहीं से भी गलत लगते हैं तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. आपको जरूर अच्छा पर्सन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखता है यार आप खुश दिख रहे हो. विद योर पार्टनर किंग ऑफ कप्स आया है, एक परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेगा. आप उसके फोर ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, आप खुश हो. द एम्परर दिख रहा है, फादर, आपकी मदर, आपकी फैमिली का साथ आपके साथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है. सो यू आर वेरी हैप्पी. अगर कोई भी पर्सन जिसके लिए आपको आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि देखो अगर हम तुम इससे शादी करोगे तो हमें भूल जाना, या फिर आपको अपना घर छोड़ के जाके उससे शादी करने पड़े, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. आपको हमेशा पछतावा होगा उस स्टेप को लेने का, हमेशा. सो डोंट डू दैट. उसके बाद एंजल के मैसेजेस हैं यहाँ पर. यू आर रेडी, आप रेडी हो. लुक फॉर अ साइन, एक साइन के लिए वेट करो. एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, सुननी अपने मन की है. लेकिन यार प्लीज़ इन्फ्लुएंस हो मत किसी से भी. एंड ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ आपके सामने होगी, आपको बिल्कुल सब कुछ पता होगा कि क्या हो रहा है. लेकिन देखो, आप भागने के लिए रेडी मत होना घर से, या फिर अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने के लिए रेडी मत होना. अगर आप कोई साइन देख रहे हो तो यही साइन है दैट यू हैव टू लिसन टू योर फैमिली ऑल्सो. कोई अगर आपको अपनी फैमिली से दूर कर रहा है तो दैट पर्सन इज नॉट राइट. चाहे वो इसलिए आपको दूर होना पड़े कि फैमिली मान नहीं रही, तो इसमें फैमिली की गलती नहीं है, फैमिली अच्छा ही सोचेगी. एंड अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आपकी फैमिली आपके लिए हमेशा खड़ी रही है क्या. फैमिली सही है, और ईयर फ्रॉम नाउ सब कुछ अच्छा हो जाएगा. लेकिन वो डिसीजन आपके हाथ में है कि चीज़ें अच्छी होंगी या बुरी होंगी. लेकिन जो भी रिजल्ट है वो एक साल के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा. सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा सोचना. और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. अगेन थैंक यू, बाय.